morning. आज हम थर्ड ईयर के लिए प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग विषय में यूनिट नंबर वन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्जिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हैमर या प्रेसिंग प्रेस की मदद से पदार्थ को शेप दी जाती है, आकृति दी जाती है। बहुत ही आदिकाल से प्रचलन में है। विभिन्न प्रकार की फोर्जिंग ऑपरेशंस हैं। पहला है अपसेटिंग। अपसेटिंग में पदार्थ को दबाया जाता है और उस दबाव का उद्देश्य उसकी थिकनेस को कम करना है और उसकी लेंथ को बढ़ाना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरा ऑपरेशन है एजिंग। उसके किनारों को कोई शेप देने के लिए प्रेस किया जाता है। इसी प्रकार से फोल्डरिंग भी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पदार्थ को डाई के अंतर्गत दबाया जाता है और ताकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाए। ड्राइंग, सिमिलरली ड्राइंग भी वही ऑपरेशन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करके लंबाई को बढ़ाना। इसमें क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, लेकिन स्वेजिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक राउंड क्रॉस सेक्शन को ओवल शेप की कैविटी वाली डाई में दबाया जाता है और उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। इन सब के विपरीत पायर्सिंग और पंचिंग दो कटिंग ऑपरेशन है जो कि प्रेस पर परफॉर्म किए जाते हैं। पायर्सिंग में एक पंच के माध्यम से आर पार मटेरियल को एक पदार्थ में से गुजारा जाता है पंच को और पदार्थ कट के नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार पंचिंग में भी यही होता है। एक फ्लैट, ये हमारा जॉब है, पंच इसमें से आर पार जाएगा और इस सेक्शन को काट के अलग कर। बेंडिंग इज सिंपल, किसी भी डाई या एनविल पर किसी भी पदार्थ को बेंड कर। अब ऑपरेशन के आधार पर हॉट फोर्जिंग या कोल्ड फोर्जिंग, परफॉर्मेंस, वर्क प्रोसेस कैसी अवस्था में हो रहा है। यदि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव हो रहा है, गर्म करके उसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव ले आओ, तब हम उसको आसानी से शेप दे सकते हैं, तो ये हॉट फोर्जिंग की श्रेणी में आता है। इसके एडवांटेज हैं, हाई स्ट्रेन रेट है, शेप करना आसान है, इजी फ्लो ऑफ द मेटल, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रिकवरी आर पॉसिबल, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन संभव है, और जो फोर्स रिक्वायर्ड है हॉट फोर्जिंग में वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लुब्रिकेशन
हम नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्केलिंग हो जाती है जॉब के ऊपर, पुअर सरफेस फिनिश मिलती है। और डाई जैसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर को सहन करने में सक्षम। इसके विपरीत कोल्ड फोर्जिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो किए जाने वाली प्रक्रिया है। इसके लाभ है लेस फ्रिक्शन बिटवीन डाई सरफेस एंड वर्क पीस। ठंडी अवस्था में करेंगे तो अपेक्षाकृत कम घर्षण का अनुभव करेंगे डाई और वर्क पीस। लुब्रिकेशन आसानी से किया जा सकता है, कोई ऑक्सीडेशन या स्केलिंग नहीं होती जॉब के ऊपर, और सरफेस फिनिश इज बेटर, चीप सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। डिसएडवांटेज क्या है, लो स्ट्रेन रेट है, धीरे धीरे होती है प्रक्रिया, ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, रिक्रिस्टलाइजेशन संभव नहीं है। जो इसके एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है जो कि इस कोल्ड प्रक्रिया के दौरान स्ट्रेसेस काफ़ी प्रबल होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए एनीलिंग की प्रक्रिया अपनाना अति आवश्यक है। मैकेनाइज्ड फोर्जिंग में कुछ इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है, उसे प्रेस कहा जाता है। ये विभिन्न माध्यम से चलाई जा सकती है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, मैकेनिकल प्रेस, न्यूमेटिक प्रेस। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी प्रेस का उपयोग किया जाता है जॉब को शेप देने के लिए, प्रेस फोर्जिंग कहलाती है। और इसमें जॉब यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन इसका क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्लंजर है उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इसमें एक डिसएडवांटेज यह है के उस स्लो मूवमेंट के कारण कुछ टेम्परेचर में ड्रॉप संभव है। इसी हाइड्रोलिक प्रेस को एक बहुत ही बेहतरीन चित्र में समझाया गया है, दिखाया गया है। दिस इज ए रैम्प, दिस इज ए प्रेशर इनलेट, कोई भी एयर या ऑयल का माध्यम से इस रैम्प को दबाया जाता है और फलस्वरूप वो अपर डाई को नीचे की तरफ प्रेरित करती है। लोअर डाई दैट इज ए फिक्स्ड एनविल हाइड्रोलिक प्रेस, और दिस इज ए रेड कलर का मेटल जिसको कि हमें शेप देना है। हाइड्रोलिक प्रेस के कारण डीपर पेनिट्रेशन संभव है, बेटर प्रॉपर्टीज, होमोजेनियस जॉब्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही ये जो इक्विपमेंट है वो कॉस्टली है। अगेन इस प्रेस को डाई और इनके साथ में समझाया गया है। ड्रॉप फोर्जिंग, इसके विपरीत हाइड्रोलिक प्रेस धीरे धीरे नीचे आती है, उसका पंच अपर डाई, लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग में अपर डाई को किसी भी माध्यम से, मैकेनिकल माध्यम से ऊपर ले जाया जाता है और अचानक उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो एक इंपैक्ट, एक ब्लो प्रोड्यूस करता है जिससे कि एक ही स्ट्रोक में फोर्जिंग संभव हो जाती है। इसको हम ऊपर ले गए रैम को और फिर इसके यहाँ जॉब रख दिया लोअर डाई में और इसको फिर छोड़ दिया, तो तेजी से ये नीचे गिरेगा और इसको शेप इसमें हमें प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।